मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल है और कहीं ना कहीं हर जबान पर सियासत की चर्चाएं हैं। आखिरकार विधानसभा चुनाव 2018 में किस दल की जीत होगी और कौन मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर काबिज होगा, इन तमाम सारे सवालों को लेकर लोग अपने अपने तरीके से आकलन करते हैं, अपने अपने तरीके से चर्चाएं करते हैं। और निश्चित रूप से जब माहौल चुनाव का होता है तो हर कोई राजनीति की सुरंग में रंग ही जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जहां एक और तमाम सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, वे अपने अपने दावे कर रहे हैं, जहां तमाम तरह के सटीक ओपिनियन पोल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार होगी, वहीं आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर बेहद ही गहन चिंतन करते हैं, जिनकी गणनाएँ राजनीतिक जगत में कहीं ना कहीं कई मौक़ों पर सटीक साबित हुई है। और प्रत्येक बार चुनाव से पहले वे एक भविष्यवाणी करते हैं और उस भविष्यवाणी में ये कहा जाता है कि इस बार इस प्रदेश में किस दल की सरकार काबिज होगी और किस राजनीतिक जो हस्ती है उसके सितारे इस बार किस तरह की दशा को लेकर चल रहे हैं। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाटन वाले गुरुजी, जो इंदौर में ही रहते हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत की गणना हमेशा करते रहते हैं। एक बार फिर आज वे एक भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या घोषणा वे करेंगे, क्या उनका गणित कहता है। गुरु, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, और यही जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से सिलसिला जो है चलता आ रहा है और किस तरह से राजनीतिक भविष्यवाणियां करने की शुरुआत आपके द्वारा हुई। देखिए, मैं चूंकि झालरापाटन राजस्थान का रहने वाला हूँ और वहाँ मैं शिक्षक के रूप में कार्य किया करता था, जो मैंने शिक्षा के क्षेत्र की सारी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। और हमारे यहाँ लगातार 15 साल से मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार चुनाव लड़ रही हैं और जीत रही हैं। उनकी भविष्यवाणी मैंने कई बार की है। पहली बार जब वो राजस्थान आई तो बेसिकली वो राजस्थान की रहने वाली नहीं है और वो राजस्थान पहली बार आई, लेकिन जब मैंने उनकी पत्रिका देखी तो उनको राहु की महादशा चल रही थी। तो मैंने ये निर्णय किया था कि आपका राहु आपको राजसत्ता दे रहा है और आप ये देखिए कि वो बीजेपी की राजस्थान की अध्यक्ष बनी सबसे पहली बार, वो राहु के पीरियड में बनी। फिर वो चुनाव जीती, फिर वो केंद्र में मंत्री बनी और ये सब भविष्यवाणियां वो आज भी मेरी मानती हैं और पूछती हैं। और हमारे क्षेत्र के लोगों ने आज भी उस सीट के बारे में मेरे से पूछा, क्यों? क्योंकि आज वो सीट झालरापाटन की जो सीट है वो हाईटेक हो गई है, और इसलिए कि वो वहाँ मानवेंद्र सिंह को, जो यशवंत सिंह जी के पुत्र हैं, उनको वहाँ कांग्रेस ने खड़ा किया है और इसलिए अब वो अंतर्राष्ट्रीय बन गई सीट। और आज सारे लोग, तो मेरे राजस्थान के लोग भी मेरे से अभी बार बार ये पूछ रहे हैं कि गुरु जी अब की बार क्या होगा, यहाँ तो बहुत भारी कैंडिडेट आके खड़ा हो गया है। मैंने कहा उसका राहु इतना प्रबल है कि उस वसुंधरा राजे को जब तक राहु मदद करता है तब तक वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सूरमाओं को परास्त कर देती है। और यहाँ ये जो मानवेंद्र सिंह जी आए हैं, ये 12वां राहु लेके आए हैं। 12वां राहु तो नुकसान ही करता है, 12वां राहु तो पराजय ही करता है, खर्चा ही कराता है, इसलिए मानवेंद्र सिंह जी वहाँ से जीत नहीं रहे। ये मैंने अपने लोगों को भविष्यवाणी की है, क्योंकि वसुंधरा जी के बारे में भविष्यवाणी में 15 साल से कर रहा हूँ और वो सिद्ध हो रही है इसलिए। और पिछले बार मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी का वृश्चिक लग्न है जिसमें मंगल विराजमान है और वहाँ चंद्रमा विपरीत राहु जी राजयोग के साथ चंद्रमा और मंगल दोनों लग्न में बैठे हैं। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा ये मोदी जी को अकेला ग्रह ऐसा विपरीत राजयोग दे रहा है जो भाग्य का काम कर रहा है, और लग्नेश और भाग्येश यदि साथ साथ हो जाएं तो हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि वो योद्धा अजय हो जाता है। और देख लीजिए, पिछली भविष्यवाणी के रूप में वो अकेले सेनापति बन गए और हिंदुस्तान में उन्होंने बीजेपी को इतनी सीटें दिलाई जो आज तक नहीं गई थी। ये मेरी भविष्यवाणी थी कि वो अकेले राजनीति में माहिर हो जाएंगे और वो नेता हो जाएंगे, और देश के नेता हैं वो आज भी। और आज भी उनके बारे में मेरी भविष्यवाणी ये है कि उनको जो भाग्येश की चंद्रमा की महादशा चली है वो 2012 से 2022 तक है, और 2022 तक ये भले सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, हिंदुस्तान भर के, वर्ल्ड के इकट्ठे हो जाएं, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि फिर भी वो राजनीति का नेता ही रहेगा, प्रधानमंत्री अगली बार भी वही बनेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, पिछली बार भी हुई थी और इस बार भी होगी। इसी प्रकार आज मैं यदि मध्य प्रदेश की बात करूं, क्योंकि मैं आज यहां रह रहा हूं, तो
सबसे पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात तो करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो भविष्यवाणियाँ आपने की हैं क्या सिर्फ राजस्थान तक ही वो सीमित रही, या फिर राजस्थान के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी हो या किसी की, उन राज्यों को लेकर भी आपने कभी भविष्यवाणी की? मेरा वास्तु की दृष्टि से अहमदाबाद बहुत बड़ा सेंटर है, मैं हर महीने लगभग वहाँ जाता हूँ। अहमदाबाद के लोगों ने गुजरात चुनाव के टाइम पे मुझसे खूब पूछा, और जो मेरे क्लाइंट थे वो मेरे पे विश्वास करते थे, मेरे को पत्रिकाएं दिखाते थे, इसलिए मेरे से पूछा। और 10-10 लोगों ने ये वहाँ पूछा मेरे से, तो मैंने कहा देखो कुछ भी हो जाए लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। अब ये जोड़ तोड़ से बनेगी या कम सीटों से बनेगी ये नहीं कहता, पर सत्ता जो सूर्य है वो गुजरात को सत्ता दे रहा है और गुजरात को सत्ता दी। अच्छा गुरुजी, इसमें क्या कभी ऐसा भी हुआ है, जैसे पत्रिकाएं तो आप देखते ही हैं, रोज़ाना तमाम सारे लोग आपके पास आते हैं, कई वसुंधरा राजे के अतिरिक्त यदि बात करूं मैं, तो क्या कोई ऐसे बड़े राजनेता भी हैं जो लगातार संपर्क में रहते हैं और चुनाव के मौसम में खासकर आपसे जानने की कोशिश करते होंगे कि इस बार हमारा भाग्य क्या कहता है? जी हाँ, देखिए अपने इंदौर में ही आप ले लीजिए कि चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे यहाँ की महापौर हो, चाहे यहाँ के कैलाश जी हों, ये सब मेरे परिचित हैं और मेरे संपर्क में भी हैं, ठीक है। परंतु कभी भी मैंने इस अपनी विद्या को राजनीति को पास गिरवे नहीं रखा, तो मैं उनके प्रभाव में नहीं आता। अब मैं आज को आपको बताता हूँ कि कांग्रेस में अभी तक मुख्यमंत्री का कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं उनकी पत्रिकाएं अगर देखी तो सिंधिया जी की पत्रिका सबसे ज़्यादा प्रबल है। अगर कांग्रेस कभी सौभाग्य से जीत जाए और उसको मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिले और वो सिंधिया जी को यदि वो मुख्यमंत्री बनाती है तो निश्चित रूप से वो जो सरकार है वो खूब प्रसिद्धि प्राप्त करेगी, ऐसे उनके ग्रह हैं। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस उनको बनावे ही नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कभी, जैसे राजस्थान है वहाँ का गणित हमेशा ये कहता है कि एक बार कांग्रेस की और एक बार भाजपा की सरकार होती है, तो क्या इस बार आपका ज्योतिष कहता है कि भाजपा सरकार रिपीट हो रही है या कांग्रेस की सरकार बनी? नहीं, मैं अभी भले ही मैं वसुंधरा जी मेरी MLA हैं और राजस्थान मेरी धरती है, पर मैं ये निवेदन करता हूँ आपसे और ग्रहों के आधार पर ये कह रहा हूँ कि वहाँ फिर सत्ता परिवर्तन है। फिर अभी वसुंधरा जी को अभी इस समय उनका राहु मदद नहीं कर रहा, क्योंकि सिंह लग्न के लोगों को 12वां राहु जाता है वो हानि करता है। अभी मैंने बताया था आपको कि सिंह राशि के लोगों को 12वां राहु हानि करता है, उनके भी सिंह लग्न है, उनको भी 12वां राहु नुकसान कर रहा है, इसलिए वो जीतने की उम्मीद बहुत कम है। अच्छा, वहाँ कांग्रेस के जो दो बड़े नेता हैं, एक अशोक गहलोत है जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, एक सचिन पायलट हैं जो अभी अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता के बेटे भी हैं, बड़े अच्छे पदों पर हैं, दोनों में से किसकी संभावना ज्यादा है मुख्यमंत्री की? अशोक जी गहलोत की संभावना ज्यादा है क्योंकि उनका गृह योग बहुत प्रबल है। अच्छा, एक राज्य और है छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, जहाँ लगातार 15 सालों से रमन सिंह साहब काबिज हैं, कहीं ना कहीं इतने मजबूत नेता हैं कि दूसरे दल सोच भी नहीं सकते मुख्यमंत्री बनने के लिए, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से रुझान जो है उनके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। आपका गणित क्या कहता है छत्तीसगढ़ को? यहाँ बिल्कुल सही है, बीजेपी और छत्तीसगढ़ की जो कुंडली है उसके जो सूर्य और बृहस्पति के जो ग्रह हैं वो आज भी छत्तीसगढ़ के और रमन जी के पक्ष में जाते हैं, इसलिए सत्ता तो वहाँ फिर भी बीजेपी के पास ही रही। अच्छा गुरु जी, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि भविष्यवाणी करने का आपका काम है, निश्चित रूप से आप एक ज्योतिषविद हैं तो भविष्यवाणियाँ करते हैं, कभी कोई नाराज़ हुआ है कि किसी एक के पक्ष में बात गई हो और कोई दूसरा शख्स आपसे नाराज़ हो गया? जी सही बात है। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको कि यहाँ ललित जैन करके मंत्री बहुत अच्छे कांग्रेस के नेता रहे हैं और वो मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। अब उन्होंने जब आखिरी चुनाव लड़ा तब उन्होंने मेरे को 10 बार पूछा होगा कि बताइए, और मैंने हर बार कहा कि आपको राहु की मात ऐसा चल रही है और आपका राहु आपको फेवर नहीं कर रहा है, आप जीतने की उम्मीद मत करो। वो चुनाव के दौरान भी मेरे को 3 बार टकराए और तीनों बार बात बार यही बात पूछी, तो एक बार तो वो इतने नाराज हो गए गुस्से में, कह रहे यार मैं नहीं मानता हूँ ज्योतिष को। मैंने कहा आपने तो इतने बार पूछ लिया कि नहीं मानता हूँ कहने की अधिकारी नहीं है। सही बात है, परंतु आप ये देख लीजिए कि नहीं जीते वो। फिर महापौर का चुनाव शोभा जी लड़ रही थी ओझा, ललित जी के साथ एक बार वो हमारी गली में जीप में बैठ के आए,
और उन्होंने शोभा जी से कहा कि गुरु जी आ रहे हैं, पाँव छू लो, आशीर्वाद ले लो। तो ललित जी वहाँ खड़े थे जीप में, उन्होंने इशारा करा, शोभा जी मेरे पास आई, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा हाँ आशीर्वाद है आपको, पर ललित जी को इशारा करके कहा कि दम नहीं है, क्योंकि आपका जैसा राहु इनको भी मदद नहीं कर रहा, और शोभा जी का क्या शुरू हुआ जो देख लीजिए। तो लोग जब हम अपने हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं तो लोग नाराज भी होते हैं, ये बेशक सही बात है। एक बात बता दूं मैं आपको कि यदि अभी आज की तारीख में ये जो हमारे एक नंबर के MLA हैं, इनका राहु इनको इतना निगेटिव जा रहा है और इनका मंगल इनको इतना जिद्दी बना रहा है कि वो उन्होंने खुद ने आपद मोल ले ली। बिल्कुल सही। तो राहु तो कटु भाषा बोलने को प्रेरित करता है और मंगल जिद करना अहम करना सिखाता है, और हमारे MLA साहब इन दोनों से पीड़ित हो रहे हैं अभी। बिल्कुल। और मैं अभी उनको आज ही ये सलाह देने वाला हूँ कि मेरे भैया आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा बोलना सीख जाओ, अभी तो आपके पास 7 दिन हैं 8 दिन हैं। मैं तो ये सलाह देने वाला हूँ, अगर मैं अभी आज की तारीख में जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब हमारे MLA सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे कि गुरुजी मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कटु सत्य बोलना चाहिए कि उनका राहु और मंगल उनको जिद्दी और कटु भाषा बोलने को बाध्य कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि आपने इंदौर की बात छेड़ दी है तो अपन इंदौर के कुछ बड़े चेहरों के बारे में भी जान लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 है जहां हमेशा भाजपा के विधायक रहे, इस बार आपका ज्योतिष क्या कहता है? हाँ जी, अभी मैंने सारे TV चैनल्स को यही बात बताई है कि रमेश जी के जो ग्रह योग हैं वो बहुत प्रबल हैं, और रमेश जी जो है वो इस चुनाव में एक बार फिर से रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। 3 नंबर में इस बार कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं, नया चेहरा है और बहुत युवा है, क्या उनका ग्रह क्या बोल रहा है? जी, वो लड़का बहुत विनम्र है और उसमें चुनाव लड़ने की क्षमता पिताजी के कारण खूब है। वो तो पहली बार चुनाव लड़ रहा है इसलिए आकलन अपने पास है ही नहीं, है ना, लेकिन उनके पिताजी जो हैं वो जीत हार के माहिर खिलाड़ी हैं, और हम इस समय आकाश के बजाय कैलाश जी को और अश्विन जी को तोलना पड़ता है कि कैलाश जी और अश्विन जी के ग्रह में से कौन प्रबल है। तो कैलाश जी के ग्रह बहुत प्रबल है, कैलाश जी ने तो ये अनुमान लगा लीजिए कि जिद करके अपने लड़के को टिकट ही दिला दिया जबकि सारे लोग उसके विरोध में थे। तो इतना ग्रह जिसका बात प्रबल हो वो तो आदमी जिद करके भी जीत जाता है। इंदौर की महापौर जो हैं, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में तोड़फोड़ जब हुई थी तो लोग नाराज भी हुए, लेकिन फिर मैदान में महापौर का जो नक्षत्र है, जो ग्रह है महापौर के, वो क्या कहते हैं? जी हाँ, महापौर भी इस समय बहुत प्रबल ग्रहों के दावेदार है और वो एक बार फिर जीतेगी, और हालांकि उस क्षेत्र में उनका काफ़ी विरोध होगा और उनका जो सूर्य और उनका जो राहु है वो बहुत अभी उनको इतने मदद नहीं कर रहे, इसलिए उनको काफ़ी विरोध झेलना पड़ेगा काफ़ी। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको कि चुनाव में कांग्रेस के पास भी फिक्स वोट है जी, और BJP के पास भी फिक्स वोट है जी, वो तो हिलते डुलते नहीं है, भले चुनाव 10वां हो कि 15वां हो जाए जी, लेकिन जो 3-4% फ्लेक्टिबल वोट होते हैं उनका फ्लोटिंग ही आदमी को जिताता हराता है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये सब काम 27-28 तारीख को के गृह योग कर रहे हैं। गुरु जी, एक क्षेत्र ऐसा भी होता है इंदौर में 5 नंबर जहाँ दो नेता हैं, दोनों इस तरह के मिलनसार और सौहार्दपूर्ण नेता हैं कि दोनों से लोग मिलते हैं तो ये सोचना भूल जाते हैं कि आखिर किसे अपना नेता चुने। एक महेंद्र हार्डिया है, एक सत्यनारायण पटेल है, 5 नंबर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है इस क्षेत्र में इस बार क्या रुझान आएंगे? नहीं, मेरे दृष्टि से 5 नंबर भी अब की बार महेंद्र हार्डिया के पास ही रहेगी। कारण क्या है कि भले उनका राहु इस समय उनकी मदद नहीं कर रहा है ना, किंतु सूर्य और बृहस्पति जो है वो उनको अच्छी मदद कर रहे हैं, और सूर्य राजसत्ता का प्रतीक भी है, लेकिन ये जरूर है कि उनके साथ धोखाधड़ी होगी और वो अपने ही लोग उनको बहुत विरोध करेंगे, ये बात सही है, और वही लोग सत्यनारायण पटेल की मदद करेंगे, उन्हीं के लोग, तो इसलिए उनका सीट का जो एवरेज है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जीत तो उनको लगभग तय है। पर जनरल प्रिडिक्शन की बात करूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी 9 सीटें हैं इंदौर की, और उसमें इस समय जो 5 और 4 का रेशो दोनों पार्टियों के पास है जी। 5 कांग्रेस के पास है, 4 5 BJP के पास है, 4 कांग्रेस के पास है, और 4 में ये व्यवस्था है कि जो बाहरी सीटें हैं
वहाँ कांग्रेस बहुत प्रबल है। बिल्कुल गुरुजी, अब आपसे थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हम इससे पहले कि ये जाने कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, कहीं ना कहीं जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं उनके नक्षत्र भी टटोल लेना चाहिए, और इसमें सबसे पहला नाम अगर आता है तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। क्या लग रहा है, शिवराज सिंह चौहान लगातार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दो सालों से संघर्ष भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी भाजपा का चेहरा है, इस बार उनके सितारे क्या बोलते हैं? देखिए, वो शनि की महादशा में है और शनि की महादशा संघर्ष करवाती है, और इस बार उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। काफ़ी विरोध होगा, काफ़ी आरोप लगेंगे, काफ़ी बदनामी होगी और काफ़ी सीटों का नुकसान भी होगा, किंतु बीजेपी की कुंडली जो है वो सूर्य गुरु और बुध के होने के कारण सत्ता दे रही है बीजेपी को। इसलिए मैंने तो अभी सारे चैनल्स को बताया भी है, आपको भी यही बात बता रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस को बहुत फायदा होगा, बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, किंतु कांग्रेस की किस्मत में अभी सत्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब सत्ता आएगी भाजपा के पक्ष में तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी क्या शिवराज सिंह चौहान होंगे? हाँ जी, अभी तो उनके ग्रह योग ऐसे ही हैं कि वो अभी तो बदले नहीं जाएंगे, किंतु मेरा ये प्रिडिक्शन भी है कि बहुत जल्दी उनको बदल दिया जाएगा। तो ये थे पाटन वाले गुरुजी, जिन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिदशा का गणित समझने की कोशिश की है, और ज्योतिष विज्ञान जो हमेशा से एक रोचकता का विषय रहा है, कहीं ना कहीं जब राजनीति के साथ ये जुड़ता है तो निश्चित रूप से लोगों की जो अपेक्षाएं और जो संभावनाएं हैं वे अलग अलग तरह की हो जाती हैं। जिस तरह की घोषणाएं गुरुजी ने आज की है, निश्चित रूप से कई सारे राजनेता ऐसे होंगे जिनके कानों में एक आनंद सुख की प्राप्ति हुई होगी, और कई सारे नेता ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे पर शिकन का भाव आ जाएगा, कहीं ना कहीं मेहनत का दौर और ज़्यादा जारी हो जाएगा। और जिस तरह से बीते दो दिन प्रचार के लिए है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक तरफ अपनी अपनी मेहनत और एक तरफ ज्योतिष का गणित, कहीं ना कहीं दोनों मिलकर लोगों को सत्ता दिलाने की जो एक कवायद है इसमें सटीक साबित होंगे। बहरहाल हमारे खास चर्चा में इतना ही, अपने सहयोगी प्रतीक सोलंकी के साथ मैं राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।